आभा जी गुजरात से अगली कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या, माफ कीजिए, अभय जी गुजरात से है, बताइए सर क्या सवाल है आपका। जी सर, IRFC शेयर है 25 के प्राइस है, तो क्या करना चाहिए? ओके, कब तक का नजरिया है सर आपका? सर लॉन्ग टर्म 10-20 साल रख सकते हैं। ओके, बाइंग प्राइस क्या बताइए आपने? 25 25 के बाइंग प्राइस IRFC पे सर, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा मुनाफा इन्होंने IRFC पे कमाया है, काफी शानदार और लोअर लेवल्स पर इनकी खरीद है, क्या रहेगी लॉन्गर टर्म के लिए राय? पहले तो बहुत बहुत बधाई व्यूअर को, बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया और अपने इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी 6 गुना कर लिया है या 5.5 गुना कर लिया है और अभी भी ये स्टॉक होल्ड करना है। और चूंकि इनका तो बहुत ही लंबा नजरिया है, हालांकि मैं इस सेक्टर पे बहुत ही बुलिश हूँ और IRFC वुड बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज, मतलब जितनी ये रेलवे स्टॉक्स है, चाहे वो राइट्स है, इकॉन, आपके RVNL, कई सारे स्टॉक्स में कई बार रिकमेंड करता रहता हूँ, उन सब में जो भी एक्टिविटी होती है उसका प्ले है ये फाइनेंसिंग करती है सब रेलवे प्रोजेक्ट्स को, तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा लग रहा है IRFC का और अपने रिसेंट हाई से करेक्टेड भी स्टॉक है, इन लेवल्स पे भी होल्ड करना है और आने वाले 5-7 साल में मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छे अपसाइड देगा, तो IRFC में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहने की समय। IRFC में लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सलाह विकास सेठी जी की ओर से।